चाची के प्यार में पागल हुए भतीजे ने चाची की हत्या कर पुलिस पे भी फायरिंग की। क्या है पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला? देखिए, कल देर शाम थाना लिसाड़ी गेट को एक महिला के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई कि उसके महिला के जो भतीजा है उसने उसका तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जो भतीजा है उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि शोएब और जो उसकी चाची है फराना, उनके बीच आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी चाची इसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी, ये शादी नहीं करना चाहता था। कल इसी बात को लेकर कल देर रात इसने अपनी चाची को गला घोट कर हत्या कर दी और शव को इंचौली के जंगलों में छुपा रखा है। शव की बरामदगी एवं जो तमंचा जिससे इसने अगवा किया था उसके लिए इसे इंचौली के पास जमालपुर गांव में लेके जाया गया, जहां पर शव पुलिस को महिला का शव बरामद हुआ। तभी वहां पर जो जिसने तमंचा फेंक रखा था शोएब ने उस तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पर गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसमें महिला के शव के पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है तथा तो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें चाची की उम्र कितनी बताई जा रही है, कब से इसका प्रेम पसंद? इनकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास है और जो लड़का है उसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और इनका करीब 1-1.5 साल से इनका प्रेम पसंद चल रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।